एंड नाउ आई लाइक टू इनवाइट मृदुला जो कि अगला सेशन लेने वाली है, और वो बात करेंगी कि किस तरीके से हम लोग हमारे कम्युनिटी में कम्युनिटी के मेंबर्स को लाइब्रेरी तक इनविटेशन दे सकते हैं, उनको लाइब्रेरी से जोड़ने का काम कर सकते हैं। मृदुला हेलो एवरीवन, मुझे बस एक मिनट चाहिए। मैं ट्रांजिशंस में थोड़ी धीरे से काम करती हूँ, बट हाँ आज मुझे आपसे बात करनी है कम्युनिटी वॉक्स के बारे में, जो हमारे बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में एक प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस कम्युनिटी वॉक्स से हम रिलेशनशिप्स बेहतर बिल्ड कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरियन लाइब्रेरी छोड़ के काफ़ी रेगुलरली कम्युनिटी वॉक के प्रैक्टिस करेंगे तो लाइब्रेरियन का कम्युनिटी से रिश्ता बढ़ेगा और लाइब्रेरी मेंबर्स के रिश्ता लाइब्रेरी से और गहरा हो जाएगा। तो मैं आज आपको कहूँगी कि चलिए हम कम्युनिटी वॉक पे चलते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी से काफ़ी सुंदर बुक्स हाथ में रखना है, ये वॉक में काम आएगा। हमारे लाइब्रेरी के काफ़ी सारे लाइब्रेरियंस, वॉलंटियर्स, मेंबर लीडर्स, जैसे हमारे स्टूडेंट काउंसिल और इंटर्न लीडर्स साथ हो गए हैं आज ये वॉक करने के लिए। सब नर्वस दिख रहे हैं। उनके साथ रोल प्ले के जरिए हम तैयारी करेंगे जिससे वो और कॉन्फिडेंट होंगे। घर घर जाकर दरवाजे पे कैसे खटखटाना है, अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो ये एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं रोल प्ले में। नमस्ते, आप शायद जानते हैं कि यहीं पास में यानी साई बाबा मंदिर के सामने हमारा एक सुंदर पुस्तकालय है जिसमें इलाके के सब बड़े और बच्चे मुफ्त में मेंबरशिप पा सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। ये मुफ्त इसलिए है क्योंकि किताबें सबका हक है। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स माँ बाप से कहते हैं कि हर घर में 100-500 भी किताबें होनी चाहिए बच्चों के लिए। ये कौन कर सकता है अपने घर में? हमारे लाइब्रेरी में 8,000 से ज़्यादा किताबें हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में और बंगाली में। मैं हाथ में जो बुक्स लेके गई हूँ लाइब्रेरी से कम्युनिटी पे, वो मैं अब दिखाऊंगी। देखो, ऐसे किताबें आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी और इन कहानी के किताबों में सोचने का बहुत ताकत है। बच्चों के सोचने का ताकत बढ़ाएंगे ये किताबें। ऐसे किताबें स्कूल में नहीं मिलते बच्चों को। तो ये हुई एक छोटी सी स्क्रिप्ट जिसमें आपको काफ़ी एजिटेशन भी सुनाई दे रहा है। एक स्क्रिप्ट में एजिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। कई बार कम्युनिटी वॉक में मौका देख के हम किताब खोल के रीड अलाउड भी कर पाते हैं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं कहानी सुनने को और उसका मज़ा लेने को। जब लाइब्रेरियन अपने लाइब्रेरी से बाहर जाके लोगों से मिलती है, वो ऐसा डर और झिझक महसूस करेगी जो इलाके के लोग महसूस करते हैं जब पहले बार लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। लोग लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी के बाहर देखने पे उनसे बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक बराबरी महसूस करते हैं और वो सवाले पूछते हैं जो मन में रोक रखे हैं। जैसे सवाल, आप लाइब्रेरी में कहानी की किताब रख के बच्चों का टाइम तो नहीं बिगाड़ रहे? और ये भी शायद बोलेंगे वो, जब से लाइब्रेरी खुली मेरे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट गया। या फिर वो ये बोलेंगे, मैंने सुना आप लड़के लड़कियों को साथ बैठने देते हैं और ड्रामा और डांस भी साथ करने देते हैं, ये सब गलत है। तो इन सब चीज़ों का आप जवाब दे सकते हैं कम्युनिटी वॉक में। कम्युनिटी वॉक के जरिए नए मेंबर्स लाइब्रेरी के पता करते हैं और मेंबरशिप में जुड़ जाते हैं। पुराने मेंबर्स लाइब्रेरियन को अपने इलाके में देखने पे सच बताते कि वो लाइब्रेरी आना तब से छोड़े जब से उनके किताब खो गए और वो अभी तक बताने में डर रहे थे। लाइब्रेरियन के समझाने पे वो पुराने मेंबर्स फिर से लाइब्रेरी में जुड़ जाते हैं। लाइब्रेरियन अपनी दिल और दिमाग में और अच्छे से अपने मेंबर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग पाकर उनको और अच्छे से लाइब्रेरी में वेलकम कर पाती है।
कम्युनिटी वॉक आप किसी भी बहाने कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में थोड़े नए किताब आए तो भाग के इलाके में बताएं, अगर नया प्रोग्राम बनी है लाइब्रेरी में जैसे रीडिंग फ्लुएंसी वर्कशॉप या टीन सेक्सुअलिटी जेंडर एंड वेलनेस वर्कशॉप बने, तो बस लाइब्रेरी के अंदर बच्चों से नाम मत लिखवाओ वर्कशॉप में, बल्कि उनके इलाके में जाओ, उनके पेरेंट्स से बात करके उनके नाम लिखवाओ। तो ऐसे में हमारे कम्युनिटी वॉक अब ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब कम्युनिटी वॉक ख़त्म होने पे हम वापस लाइब्रेरी जाके ज़रूर डीब्रीफ करेंगे। शुरू में हमने ब्रीफिंग किया था, हमने रोल प्ले किया था, फिर तैयारी करके हम गए थे, अब वापस आके डीब्रीफ हो रहा है। लोग अलग अलग गलियों में गए तो डीब्रीफ में एक दूसरे को वॉक के बारे में बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि उनके अंदर कुछ चेंजेस या नई सोच उभर कर आई। तो एक अच्छे कम्युनिटी वॉक हो तो मेंबर्स लाइब्रेरी में और ज़्यादा जुड़ते हैं, इलाके के लोग समझते हैं कि लाइब्रेरी क्या है और उसमें उनका क्या हक है, और लाइब्रेरियन इलाके से रिश्ता बनाकर अपने लाइब्रेरी के ताकत बढ़ा सकती है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से वेलकम के प्रैक्टिस है, ये रिश्ता बनाने का प्रैक्टिस है कम्युनिटी वॉक। बैक टू यू प्राची।